पहली मार्च से 1 से 5 तक खुले परिषदीय स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन किए जाने सहित शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लेने एडीजी जोन अखिल कुमार और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर प्राथमिक स्कूल बनकटवा और कन्या प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ पहुंचे और स्कूल में किए जा रहे कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के अनुपालन की जानकारी ली। इस दौरान एडीजी और मंडलायुक्त ने बच्चों को चॉकलेट देकर उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि विद्यालयों में कक्षा 2 एवं 4 के बच्चों को उनको अभिभावकों की सहमति के उपरांत विद्यालय में बुलाया गया है। इस अवसर पर एडी बेसिक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और एडीजी अखिल कुमार ने बताया। तो अभी क्या बच्चों की पेरेंट्स की सहमति से जी, से लिया है सर। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 221 है सर। आज कितने हैं? आज तो 35 है क्योंकि सर उन्हीं क्लास में बुलाना है, क्लास 2 और क्लास 4। इसमें कितने हैं सर? एक दो क्लास में 4 है। सेकंड में कितने बच्चे आपने बताया? लेकिन आप क्या क्या प्रिकॉशन दे रही हैं, क्या क्या ध्यान रख रही हैं? लेकिन सर हमने 2018 में करा लिया था। हम बच्चों को पता है सर कि हाथ मतलब कैसे धोना है, कि स्टेप वाइज जो और कितनी देर तक धोना है। दीजिए, नहीं आप दीजिए सर, आप दे सर, आप तो साइड दीजिए सर, कर दीजिए लो बेटा। हाथ धोया था और इसको बेटा लगाया रहो, जो मुंह पर है ना। थैंक यू बेटा, हाथ कितनी कितनी देर में धोना है जैसे हाथ धोया उसको ट्रॉफी मिलेगी। किसने हाथ नहीं धोया है? सबने धोया है। हाथ जो है हर आधे घंटे में धोना है, ठीक है? साबुन से 1 से 30 तक की गिनती कितनी है? कितनी गिनती? 30 तक की गिनती आती है? यस सर। तो 1 से 30 तक की गिनती गिनते गिनते ये करना है, ठीक है? और मास्क लगाए रहना है, और ये लगाए रहना है, ये आदत पड़ जाएगी। और अपने घर में भी बताना है कि इसको लगाए रहना है, ठीक है? और चिंता ना करो, कुछ उसके बाद भी होता है तो जानने की बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। किसने हाथ नहीं धोए थे? और ये जो कपड़ा बांधे है ना, घर जाके इसको धो दीजिएगा, ठीक है? धो के इसको उबले हुए पानी में डाल दीजिएगा 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद निचोड़ के सुखवा दीजिएगा, ठीक है ना? और इसको बार बार ऊपर नीचे नहीं कर, 1 से 30 तक की गिनती गिनते हुए हाथ धोना है, ठीक है? अच्छा, मैडम आप ही कुछ पूछिए सर, बच्चा कोई सर बड़े पूरे साफ पड़े नहीं है इन्होंने बहुत पूछ सकते हैं किसी बच्चे से। तो आगे जितने खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो कि ये पोएम कौन सी है सबको सुना दो। चीटी जो है सुनाओ। चीटी दी दी चीटी दी दी तुम पढ़ो, तुम बस सुना दो। हाँ, तुम हो प्यारी तुम हो की दीदी, दूर दूर तक चलती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, काली धूली दिखती हो, लंबी कितनी दिखती हो। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ कितने टीचर हैं? सर टीचर की बहुत कमी है, मैं हेड हूँ, एक सहायक है सर और एक शिक्षक। अभी तो सर फुल स्ट्रेंथ नहीं आ रही ना। तो जब आपके पांचों क्लास चलेंगे तब कैसे मैनेज करते हैं? सर 1-2 ये देखती है और 3-4 दूसरी टीचर वो देखती है और 5 मैं देखती हूं सर, और बाकी सारा जो भी है इसका काम हो गया। हाथ जरूर धुलवाते रहिए, ठीक है? आपकी
मेंटेन किया हुआ है। एडीजी 2 साल और ये कौन सी क्लास चल रही है? ये दो है वो 4 बहुत बढ़िया। बहुत महीनों बाद बच्चे आए हैं अपने बेसिक एजुकेशन वाले जो हैं, 10-11 महीने से ये बच्चे अपने घरों में थे। तो एक हम लोग का भी कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग के मंडल में और जनपद में जो विभिन्न अधिकारी गण हैं वो कुछ स्कूलों में जाके जो हम लोग के डेली वर्क हैं उसके बीच में से और इन बच्चों से वार्तालाप करते हुए उनका हालचाल लें और देखें कि जो कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जो निर्देश सरकार के शासन के हैं उनका अनुपालन जो है विद्यालय प्रशासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमारा कर्तव्य है कि ये बच्चे जो हैं देश और राज्य का भविष्य हैं और ये सुरक्षित और सेफली अध्ययन अध्यापन हो रहा है उसका उपभोग कर सकें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अध्ययन करते हुए सशक्त बने और राष्ट्र को सशक्त बनाएं। और इसलिए हमारा कर्तव्य भी है कि हम भी कुछ स्कूलों को देखें कि वहाँ पर सब चीज़ें ठीक से चल रही हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं और खुश हैं, देख के अच्छा लगा। कमिश्नर साहब के साथ हम लोग निकले थे और देखे हैं कुछ विद्यालयों का साथ, तो एक काफ़ी संकट का समय था और सरकार ने काफ़ी अच्छा मेहनत करके राज्य सरकार की अथक प्रयासों के बाद महामारी पे नियंत्रण लगा है जिस कारण स्कूल खुल पाए हैं और बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। उनको उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा कि जल्दी इसका पाठ्यक्रम चले और उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए।